हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग। और आज के एमसीक्यू सीरीज में हम कॉमन सेक्शन के पार्ट 11 को कवर कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ऑल्टीट्यूड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स फ्रॉम अर्थ सरफेस से जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं उनकी हाइट क्या होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 36,000 किलोमीटर। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं ये अर्थ सरफेस से काफी ज्यादा हाइट पे होती हैं और ये ज्यादातर लार्जर एरिया की कवरेज जब करनी हो सैटेलाइट से तो उस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है और इनका जो फोकस पॉइंट होता है वो फिक्स होता है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो कि एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मीटियोसैट। मीटियोसैट एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है और बाकी ये तीनों जो है लैंडसैट स्पॉट और IRS ये सनसिंक्रोनस सैटेलाइट्स हैं। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि एन ऑर्बिट इन विच द सैटेलाइट्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज द अर्थ रोटेशन इज नोन एज। उस ऑर्बिट को क्या कहते हैं जिसमें सैटेलाइट जो है वो अर्थ के रोटेशन के सेम डायरेक्शन में ही मूव करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रोग्रेड ऑर्बिट। प्रोग्रेड ऑर्बिट में जो है सैटेलाइट जो है अर्थ के रोटेशन के डायरेक्शन में मूव करती है और रेट्रोग्रेड ऑर्बिट जो होता है ये इसका ऑपोजिट होता है और जिस डायरेक्शन में रोटेट होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सैटेलाइट मूव करती है। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है वह कि फॉर कंप्लीट कवरेज ऑफ अर्थ सरफेस अ सैटेलाइट नीड। अर्थ सरफेस की कंप्लीट कवरेज करने के लिए सैटेलाइट को किन चीजों की जरूरत होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड बी। तो इसके लिए जो सैटेलाइट ऑर्बिट है वो नॉर्थ टू साउथ होना चाहिए, पोलर होना चाहिए और रोटेशन ऑफ अर्थ जो वेस्ट टू ईस्ट होती है उसी डायरेक्शन में जो है सैटेलाइट की भी डायरेक्शन होनी चाहिए, तो फिर जो है सैटेलाइट अर्थ की फुल कवरेज कर सकता है। इसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है वह है कि ऑर्बिट पीरियड ऑफ अ सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। ऑर्बिट पीरियड मतलब कि एक बार में सैटेलाइट एक ऑर्बिट को खत्म करने में कितना टाइम लेता है। तो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट का जो ऑर्बिट पीरियड होता है वो लगभग 90 मिनट्स का होता है। ज्यादा और भी अलग सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स के लिए ये जो टाइमिंग है ये इसीलिए लगभग में बताई गई है क्योंकि 10 मिनट 15 मिनट आगे पीछे हो सकती है ये टाइमिंग, पर ये सारी जो टाइमिंग है ये आवर्स में 24 घंटे 23 घंटे, तो सन सिंक्रोनस टाइम एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में इतना टाइम नहीं लेती है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह कि व्हाट इज द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट इज डायरेक्टली बिलो द सैटेलाइट। तो अर्थ सरफेस पे वो पॉइंट जिसके डायरेक्टली बिलो सैटेलाइट के जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सब सैटेलाइट पॉइंट। तो सैटेलाइट के डायरेक्टली बिलो अर्थ सरफेस पे जो पॉइंट होता है उसको सब सैटेलाइट पॉइंट बोलते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह कि द टाइम पीरियड टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट इज कॉल्ड। सैटेलाइट एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम पीरियड लेता है उसको क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है उस टाइम पीरियड का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सिडेरियल पीरियड। तो एक ऑर्बिट को सैटेलाइट जो कंप्लीट करता है उस टाइम पीरियड को सिडेरियल पीरियड कहते हैं। तो आज की एमसीक्यू सीरीज में बस इतने ही सवाल है और आप सबका इस एमसीक्यू सीरीज में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।